अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है दानियाल शौकत और आप लोग देख रहे हैं दानियाल व्लॉग्स। इतने अरसे बाद जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो मुझे नाम दोबारा बताना पड़ेगा, तो सबसे पहले इतना गैप देने के लिए या फिर इतने अरसे बाद अपना व्लॉग अपलोड करने के लिए बहुत बहुत माजरत ख्वाह हूँ। असल में एग्ज़ाम्स चल रहे थे मेरे, अच्छा ये एक अच्छा बहाना है, लेकिन ये कि एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे लेकिन बस मैं वैसे भी कुछ अपनी सुस्ती की वजह से वीडियो नहीं बना सका। ये है कि मैं थोड़ा कुछ कामों में सुस्त हूँ, ख़ासकर अपने कामों को मैं बर वक्त अंजाम नहीं दे पाता, जिसकी एक ये मिसाल आपके सामने है। खैर, तो आज का जो व्लॉग है उसके बारे में मैं आपको बताऊँ वो ये है कि इधर ही करीब एक इवेंट था, मेरे कनेक्ट का इवेंट था, तो वो जब मेरे पास आया कुछ यूँ था KNCT, तो मुझे नहीं था पता कि इसको कनेक्ट पढ़ते हैं। जब मैं वहाँ गया तो मुझे पता चला कि ये कनेक्ट है, कनेक्ट पढ़ेंगे इसको, KNCT कनेक्ट का ये एक इवेंट था। तो खैर, उस इवेंट में मैं गया तो उसके ऊपर मैंने कुछ वीडियो वगैरह बनाई और उसका मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ। असल में सीरीज़ ऑफ इवेंट्स वो करते हैं मंथली, और इस महीने में उनका ये इवेंट था, तो मुझे एक फ्रेंड के थ्रू पता चला, मुझे लिंक भेजा गया तो उसको क्लिक करके मैंने फिर रजिस्ट्रेशन की, तो उस इवेंट में मैं गया। और वैसे मैं इतने ज़्यादा इवेंट्स में जाता नहीं हूँ, इसमें जाने की एक अहम वजह यह भी थी कि जब मैंने इसकी लोकेशन देखी तो ये मेरी साथ वाली गली में था, मैं स्ट्रीट 8 में हूँ तो ये स्ट्रीट 7 में, इतना यानी कि मेरे साथ वाली गली में था, इसके लिए मुझे इतना तकल्लुफ़ करने की ज़रूरत नहीं थी, तो ये मेरे लिए बड़ी आसानी थी। तो इसके साथ साथ एक और जाने की यह वजह कि जब मैंने इनकी वो प्रोग्राम की लिस्ट पढ़ी कि वहाँ क्या होगा, तो उसमें मुझे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मिली। उसमें क्या था कि वहाँ पे स्टोरी टेलिंग होगी जो कि विच आई लाइक, एंड सेकेंडली वहाँ पे ये था कि इम्प्रूव कॉमेडी, इसका मुझे नहीं था पता कि ये क्या होता है। खैर, वहाँ जाके मुझे पता चल गया व्हाट्स दिस। लाइव सिंगिंग होनी थी वहाँ पे, जो कि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होना था, और इसके साथ साथ पोइट्री का बताया गया था विच आई लाइक द मोस्ट। खैर, अब कहानी को इतना लंबा नहीं करते, तो जब मैं वहाँ पे गया तो कुछ ये मनाजिर थे शुरू में ये जो आप देख रहे हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो इसमें तब्दील हो गए थे। अब मैं आपको छोटी छोटी सी डिटेल बताऊंगा इन तमाम प्रोग्राम्स के बारे में कि वहाँ पे क्या क्या हुआ। कुछ चीज़ें थी बहुत ही इंटरेस्टिंग और कुछ बोरिंग भी थी, लेकिन खैर एक्सपीरियंस था मेरा फ़र्स्ट टाइम, आप भी उसका एक्सपीरियंस करें। इवेंट में सबसे पहले एक जनाब आए, उन्होंने आके ट्रॉमा के बारे में बताया कि ट्रॉमा होता क्या है और इसकी कौन कौन सी अकसाम होती हैं, और इसके बारे में कुछ बातें बताई। आई पर्सनली बिलीव कि सैडनेस बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन है, क्योंकि ये आपके बाकी सारे इमोशंस को अब्सॉर्ब कर लेता है, और ट्रॉमा से बाहर ना निकलने की एक मेन वजह सैडनेस होती है। इम्प्रूव कॉमेडी, तो ये क्या होता है मुझे वहीं पे जाके पता चला। ये बोलते हैं जी कि स्टेज के ऊपर बिना तैयारी के जाना और जुगते मारना शुरू कर देना, और वहीं पे ख़ुद से जो चीज़ें हैं क्रिएट करना, क्रिएट करके लोगों को हंसाना, और दिस इज़ समथिंग विच कॉल इम्प्रूव कॉमेडी। सो ठिना नहीं नहीं बेटा, ए ठिना भी रहना, ठिना जोर से ठिना। आपकी कौन सी साउंड थी? आपकी धिन। आप सबके लिए धिन है। ओके, 1 2 3 स्टार्ट करेंगे यहां से, रुक जा। 1 2 3 ऐसे नहीं है, अपने शेक्सपियर ने कहा था अपने अंदर के मिरासी को जिंदा रखो। So be brave. अभी क्या रहना आप लोग? 1 2 3 कोई भी शरीफ आदमी नहीं है यहाँ पे, माशा। इम्प्रूव कॉमेडी जब ख़त्म हुई तो एक कोई सर थे वहाँ पे, उनकी 3D एनिमेशन दिखाई गई, वो उन्होंने खुद क्रिएट की हुई थी। Thank you.
और इसके बाद ये जो था ये इस इवेंट का बेस्ट पार्ट था। और ये म्यूजिक जो था कुछ सूफी म्यूजिक था और बहुत ही मजे का था। इसके साथ साथ और भी कुछ मुख्तलिफ सॉन्ग वगैरह थे इनके। और इनके पास कुछ म्यूज़िक ट्रैक्स थे जो ये प्ले कर रहे थे, प्ले मीन खुद वहाँ पे परफॉर्म कर रहे थे, बहुत ही मज़े के थे। मेरा आज का व्लॉग, इसी बहाने आप लोगों से मुलाकात हो गई। अब बात यह है कि मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, और अगर ज़्यादा पसंद आई हो तो इसे दोस्तों से भी शेयर कर दें। बाहर बाइक का शोर हो रहा है, पता नहीं रिकॉर्डिंग। खैर जो भी है, अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अगर ज़्यादा पसंद आई हो तो और लाइक नहीं करें, इसे शेयर भी कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो नेक्स्ट टाइम अगर कनेक्ट का इवेंट, अगर कोई उसको ज्वाइन करना चाहे तो इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ इनका, तो आप लोग भी आएँ इस इवेंट में। म्यूज़िक काफ़ी अच्छा था, मैंने बहुत इन्जॉय किया। आप लोग आएंगे, मिलकर इन्जॉय करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। We'll be right back.
اور ایک مزید بات جو میں بتانا بھول گیا وہ یہ کہ یہاں پہ کنیکٹ کا ایونٹ تھا. اس کا مقصد یہ تھا کہ مختلف جو لوگ ہیں کچھ یعنی کہ مختلف جو شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں وہ آپس میں آئیں, وہ یہاں پہ آئیں اور ایک دوسرے سے ملیں, جان پہچان کریں اور اپنی جان پہچان بڑھائیں, اپنی گروتھ کریں. تو مجھے اس کا چھوٹا سا یہ فائدہ ہوا کہ وہاں پہ مجھے جی بی سے گلگت بلتستان کے ایک بھائی ملے, تو فیل ان کا نام تھا, بہت اچھے تھے. ان سے میری ملاقات ہوئی اور ان سے گپ شپ ہوئی اور ان سے میرا رابطہ بھی بن گیا. خیر, اٹ واز گڈ.